फाउंडेशन स्कूल। मैं आपके उर्दू टीचर हूँ। आज हमारी ऑनलाइन दूसरी क्लास है। आज हम हुरूफ़ तहज्जी लिखेंगे भी और पहले हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जुगनू बुक में सफ़ा नंबर 109 पर आपकी ये पूरी हुरूफ़ तहज्जी लिखी हुई है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। मैंने आपको फैमिलीज़ भी बता दी थी कि इसमें कितनी कितनी फैमिलीज़ हैं। ये बे की फैमिली है, ये जीम की फैमिली है, ये दाल की, ये रे की, ये सीन की फैमिली। यानी अब यहाँ पे जैसे चार हर्फ हैं, यहाँ तीन हैं, यहाँ पाँच हैं, इसमें दो दो हैं, ये दो दो की फैमिली चल रही थी यहाँ तक गाफ तक। इसके बाद लास्ट में लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये और बड़ी ये अलग अलग हरूफ हैं। इनको सबको मिला के 36 हो रहे थे। इनको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, इसी सीक्वेंस में हमें लिखना आना चाहिए। नुक्तों की पहचान भी करवाई थी मैंने आपको कि किसके नीचे कितने नुक्ते हैं, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम आज कॉपी में हुरूफ़ तहज्जी लिखेंगे और कॉपी में हमें किस तरह लिखना है इस पर आपको बहुत गौर से देखना है और फिर बिल्कुल वैसे ही काम करना है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी उर्दू कॉपी है। स्टूडेंट्स, ये आपकी कॉपी है, इसमें पहला टाइटल लगा हुआ है माह अगस्त का। ठीक है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस अगस्त में स्टार्ट हुई है, माह अगस्त का हमारा टाइटल लगा हुआ है। दूसरे पेज पर हुरूफ़ तहज्जी अलिफ से हमें जे तक लिखनी है, जे तक, इसको बोलते हैं जे, जिसमें तीन नुक्ते हो। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी को समझना चाहिए कि इसकी ये वाली जो लाइन होती है, पहली लाइन, इसको कहते हैं मार्जिन लाइन। इस पर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसको छोड़कर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। मार्जिन लाइन पर हम सिर्फ डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट पे भी आप काम करेंगे। जैसे आज है 5/8/2021। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिए कि ये हमारी मार्जिन लाइन होती है, इस पर हम डेट लिखते हैं। आज मैंने आपको डेट लिख के बता दी है 5/8। आप जिस डेट पे भी काम करेंगे उस डेट को लिखना यहाँ ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये डेट मेंशन करना ज़रूरी है और यहाँ पर ये हम आपकी कॉपी में ये काम बना हुआ होगा, ये हेडिंग लिखी भी होगी हुरूफ़ तहज्जी अलिफ से जे तक। अब मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर जो उर्दू की कॉपीज होती हैं उनमें सिर्फ टू लाइंस होती हैं। ये हमने सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं हरूफ को किस तरीके से लिखना है, किस तरह कौन से हरूफ कैसे बनेंगे, कौन से हरूफ लाइन से नीचे जाएंगे, कौन से ऊपर रहेंगे, इसकी वजह से ये लाइन बीच में दी गई है। वन क्लास में ऐसी कॉपी हरगिज़ नहीं होगी, वन क्लास में आपको टू लाइंस की कॉपी ही मिलेगी। आप इस बात को जहन नशीन रखें कि ये वाली लाइन को आपको अपने दिमाग में रखना है। इस लाइन से नीचे जो भी हर्फ जाएंगे उनको आप उसी तरह बनाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन तक लाएंगे अलिफ। इससे नीचे अलिफ हरगिज़ भी नहीं आएगा। जो बात मैं आपसे कह रही हूँ उसको बहुत अच्छे से गौर से समझेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अलिफ लिखा आपने, अब हम यहाँ बनाएंगे और इस लाइन पर बनाएंगे बे। ये बे के नीचे एक नुक्ता, एक नुक्ता इस तरह आएगा। इसके बाद है पे, बे की फैमिली शुरू हो गई है। पे के नीचे तीन नुक्ते बनेंगे, ऊपर दो एक नीचे, इस तरह जैसे ट्राइंगल बन जाता है, दो ऊपर एक नीचे, पे के नीचे तीन नुक्ते। उसके बाद आएगा ते, ये भी लाइन पे बनेगा ते। इसके बाद आएगा ते, फिर है से, बे पे ते ते,
ये तीन सॉरी पांच हर्फ है बे की फैमिली में। अब जीम की फैमिली स्टार्ट करेंगे। जीम की फैमिली में जीम किस तरह बनेगा, हम यहाँ से इस डॉटेड लाइन से जरा सा ऊपर से यूं करके स्टार्ट करेंगे और इसका पेट इस लाइन से नीचे जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपने। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं इसको रब करके दोबारा बना रही हूँ। थोड़ा सा स्टाइल में इस तरह से ऐसे, और ये वापस यहाँ तक आएगा। ठीक है, इस लाइन से ऊपर कुछ नहीं जा रहा है, इस लाइन से थोड़ा सा नीचे से हम जीम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस लाइन से ये नीचे जाएगा, ये लाजमी नीचे जाएगा। जब हम पूरा जीम बनाएंगे तो इस लाइन का ख्याल रखेंगे, बीच में एक नुक्ता लगाएंगे। फिर है जे, जे के पेट में तीन नुक्ते। इसके बाद है हे, खाली होता है। इसके बाद इसका चौथा भाई आएगा खे, खे के ऊपर एक नुक्ता। जीम की फैमिली कंप्लीट। अब दाल बनेगा। दाल यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस डॉटेड लाइन से जरा से ऊपर से, और ये लाइन से थोड़ा सा नीचे जाएगा। इस लाइन से जरा सा नीचे जाएगा, इस लाइन को हमेशा जहन में रखिएगा। दाल, दाल, दाल के ऊपर छोटी तोई। इसके बाद है जाल, इसके ऊपर एक नुक्ता। दाल, दाल, जाल, आपकी ये दाल की फैमिली कंप्लीट। अब हम बनाएंगे रे। रे भी यहां से स्टार्ट करेंगे, डॉटेड लाइन से जरा सा ऊपर से, और इस तरह सीधा करके यहां से टेढ़ी लाइन, लाइन से नीचे जाएगी सीधी, और फिर जरा सी टेढ़ी लाइन से नीचे आ गई। रे थोड़ा सा लाइन से, दाल, जाल लाइन से थोड़ा थोड़ा नीचे, जीम, हे, से, ये सब भी लाइन से नीचे जाएंगे। रे, इसके बाद बनेगा रे, इसके ऊपर छोटी तो है। फिर आएगा एक नुक्ते वाला जे, इसके ऊपर एक नुक्ता। इसके बाद आएगा जे, तीन नुक्ते वाला जे। आपकी अलिफ से लेके जे तक आपकी ये वाली हुरूफ़े तहजी कंप्लीट मैंने आपको लिख के दिखा दी है। आपको सेम इसी स्टाइल में अपनी कॉपी में लिखनी है और इसको दो दफा करना है। मैंने पीछे एक दफा बनाई, दो दफा फिर इसलिए बनाई है कि आपको एक तो पक्के अच्छे से याद हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ये देखिए पीछे भी मैंने उसी तरह बनाया हुआ है। हुरूफ़े तहजी अलिफ से जे तक आपको दो दफा ये काम करना है, टू टाइम्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। और अब आते हैं हम दूसरे पेज पे। यहाँ पर हम हुरूफ तहजी सीन से बड़ी ए तक लिखेंगे। पहले हम यहाँ डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सीन से। यहाँ से देख लीजिए, ये जो डॉटेड लाइन है इससे मैं जरा सा ऊपर से बना रही हूँ, दो शोशे, और इसका बड़ा सा पेट लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे सीन जाएगा। इसके बाद बनेगा शीन, इसी तरह से इसके ऊपर होते हैं तीन नुक्ते। सीन, शीन, सीन, शीन। अब आएगा स्वाद, स्वाद इस तरह बनेगा और पेट इसका नीचे जाएगा, ये भी लाइन से नीचे जाएगा। हर स्वाद कहते हैं इसको। इसका दूसरा भाई भी इसी तरह बनेगा, उसके ऊपर एक नुक्ता होता है और उसका पेट भी लाइन से नीचे जाएगा, उसके ऊपर एक नुक्ता। स्वाद, ज्वाद, स्वाद, ज्वाद, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद। अब हम बनाएंगे तोए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस लाइन से जरा सा नीचे से, इसकी पहले सीधी लाइन आएगी, इसके बाद यूं गोल घुमा के ये लाइन इसकी थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, तो ठीक है। दूसरा इसी तरह बना रही हूँ, देख लीजिए सीधी लाइन, इसके बाद जोए, तोए, जोए, तोए, जोए। अब आया आइन, आइन का मुंह हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से, और इसका पेट गोल नीचे जाएगा ऐसे, आइन। और दूसरा भाई इसका वही, समझ में आ रहा है ना आपको?
ये भी लाइन इस लाइन से नीचे जा रहा है फिर वापस ऊपर आ रहा है, और आपको बिल्कुल इसी तरह बनाना है। तोए जोए आइन वाइन। अब आएगा फे। फे का मुंह हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और इस लाइन पर लाकर इसको बनाएंगे, ऊपर एक मुक्का लगाएंगे। ये लाइन से नीचे नहीं जाता फे, लेकिन इसका भाई आप लाइन से नीचे जाएगा, इसका मुंह भी इसी तरह बनेगा, लेकिन ये गोल है मोटा है तो लाइन से नीचे जाएगा और ऊपर दो नुक्ते लगेंगे। ये बन गया काफ। फे काफ। तोए जोए आई वाई फे काफ। अब आएगा काफ। काफ इस तरह बनता है लाइन के ऊपर, बस एक इसकी ये लाइन यहाँ मरकज इसको कहते हैं, ये मरकज यहाँ बन गया का। इसका भाई भी इसी तरह बनेगा गा। का गा। फे ओ का गा। अब ये है लाम। लाम भी लाइन से नीचे जाता है और इस लाइन से भी स्टार्ट करें लेकिन ऊपर से नहीं जाए। लाम। मीम इस लाइन के ऊपर इसका मुंह बना देते हैं इस तरह से और यूं नीचे लाएंगे, इस लाइन से ये नीचे आता है मीम। लाम भी लाइन से नीचे आएगा और मीम भी। अब है नून। नून ऐसे और बीच में एक नुक्ता। नून भी लाइन से नीचे है। लाम मीम नून। अब आया वाओ। वाओ भी लाइन से नीचे जाता है मगर थोड़ा सा, बस इतना सा आपका वाओ लाइन से नीचे जाता है। लाम मीम नून वाओ। अब आया गोल हे। ये लाइन के ऊपर ही रहता है इस तरह से। गोल हे के बाद आएगी छोटी हे, इस तरह से छोटी हे लाइन से नीचे जाएगी क्योंकि इसका पेट जरा बड़ा होगा, और फिर बड़ी है हम लाइन के ऊपर बनाएंगे। बड़ी के नीचे नुक्ते मत लगाइएगा, बहुत सारे बच्चे इसके नीचे पता नहीं क्यों नुक्ते लगाते हैं, नहीं लगाने चाहिए, नहीं होते हैं नुक्ते। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। सीन शीन स्वाद जुआद तोए जोए आइन वई फे ऑफ का गा लाम मीम नून वाओ हे छोटी है बड़ी है। आपका ये काम भी कंप्लीट हो गया, आपकी हुरूफ़े तहजी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, अलिफ से लेके बड़ी ये तक। और ये काम भी 2 पेजेस पे होगा, मैंने पीछे भी इसी तरह बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वाले पेज पे भी हुरूफ तहजी सीन से बड़ी ये तक आपको करनी है। ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक नज़म भी पढ़ लेंगे। आपकी ये नज़म की बुक है, ये निकालिएगा और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारी नज़म की बुक है, सुरखाब नज़में। इसमें सबसे पहली नज़म है मेरी साइकिल। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत पसंद भी है और काफ़ी बच्चों को पहले से याद हो, लेकिन फिर भी हम आज इसको बुक में देख के पढ़ेंगे। मेरी नई साइकिल तेजी से चली, मेरी नई साइकिल तेजी से चली, फाटक से जो निकली मैदान की गली, फाटक से जो निकली मैदान की गली, मैदान का चक्कर काटा वापस घर को आया, मैदान का चक्कर काटा वापस घर को आया, अम्मी ने जो देखा और भी जोर लगाया, अम्मी ने जो देखा और भी जोर लगाया, अब्बू ने शाबाशी दी भागा जैसे घोड़ा, अब्बू ने शाबाशी दी भागा जैसे घोड़ा, सामने आया खंबा तेजी से जो मोड़ा, सामने आया खंबा
तेजी से जो मोड़ा, हम तो गए हौज में, साइकिल गई क्यारी में, हम तो गए हौज में, साइकिल गई क्यारी में, अब तो कोई तुकना था अपनी होशियारी पे, अब तो कोई तुकना था अपनी होशियारी पे। ये आपकी नज़म है, इसे आप याद करें और उसको अच्छे से पढ़ें। और मुझे ओके स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों के पास कौन किस किस के पास साइकिल है और कौन साइकिल चलाने जाता है शाम को। ये वैसे ही साइकिल बनी हुई देखें इस बच्चे के पास, और ये बहुत तेज चला रहा था। यहाँ पर देखें फाटक जो बोला है ना, फाटक कहते हैं गेट को। यहाँ देखें आप, ये गेट से बाहर निकलना है। ये जो दूसरी लाइन हमने पढ़ी, फाटक से जो निकली मैदान की गली, तो मैदान का चक्कर काट रहा है, ये चक्कर काट रहा है मैदान का, तेज से चला रहा है। और वापस जो आया तो अम्मी को देख के जरा उनको जोश आ गया, उनकी अम्मी अब्बू खड़े हुए तो उनको देख के उन्हें जोश आया, उन्होंने बड़े जोर से भगाया। और अब्बू कहने लगे कि भाई भाग तो भाग रहा है ये तो घोड़े की तरह। और फिर क्या हुआ, अचानक से ये वाला खंभा आ गया सामने। ये देखा आपने खंभा, खंभा किसे कहते हैं, वो पोल जो होते हैं जिसके ऊपर बल्ब लगा होता है, रात को जलता है वो, जब अंधेरा हो रहा था सड़क पे पोल लगे हुए होते हैं उसको कहते हैं खंभा। उस खंभे से इसकी साइकिल टकराई और ये गिर गया। तो गिरा कैसे कि जब खंभे से मोड़ने लगा, खंभे की चारों तरफ से घुमा के मोड़ते हैं ना, तो घुमाने की वजह से वो गिरा, और गिरने की वजह से वो क्यारी में, साइकिल क्यारी में चली गई और वो हौज में गिर गया। तो लेकिन फिर भी बचत हो गई, अगर जमीन पे गिरता तो ज्यादा चोट लगती, तो तभी तो उसने आपको बचाने के लिए। ओके बच्चों, ये है तो बहुत प्यारी सी नज़म और इसमें उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन आपको पता है कि इस नज़म में एक सबक भी दिया जा रहा है। वो सबक ये है कि आपको साइकिल एहतियात के साथ चलानी है, इसलिए कि इसके दो पहिए हैं, चार पहिए नहीं हैं। क्योंकि चार पहिए वाली गाड़ी जो होती है वो ज़मीन पर टिकी भी होती है, वो गिर नहीं सकती, लेकिन दो पहिए में आपको बैलेंस करना होता है। इसलिए साइकिल चलाएं, ज़रूर चलाएं, बहुत अच्छी चीज़ है साइकिल, और इसमें एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन एहतियात के साथ। और ख़ास तौर से सड़क के ऊपर तो आपको देख के चलानी है, मैदान में तो चले कोई ख़तरा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी मैदान में, लेकिन सड़क के ऊपर बच्चे मैंने देखा है बहुत बुरी साइकिल चलाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी गाड़ी के आगे आ गए या गाड़ी से उनको टक्कर लग गई, तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। तो आप लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, सड़क पे गिरने से चोट बहुत ज़्यादा लगती है, और है ना बाज़ औक़ात ऐसा ज़ख़म हो जाता है कि आप लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको एहतियात के साथ चलानी चाहिए। अगर आप मैदान में जा कर चलाएँ तो बहुत अच्छी बात है, किसी बड़े के साथ जाएँ, अकेले दूर दूर नहीं जाया करें सड़क के ऊपर, तेज़ साइकिल नहीं चलाया करें, सड़क पर ट्रैफिक होता है, इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए सब बच्चों को। घर में चला रहे हैं तब भी एहतियात के साथ चलाएं, घर में भी हादसा हो सकता है, आपकी साइकिल गिर सकती है, फिसल सकती है, पानी पड़ा हुआ हो, दरवाजे से टकरा गए, दीवार से टकरा गए, किसी भी चीज़ से टकरा गए, तो इसलिए एहतियात लाजमी है। ठीक है, बहुत एहतियात के साथ साइकिल चलानी है। और ये वाली नज़म मुझे आप याद करके और बहुत अच्छी लय में मुझे आप इसकी ऑडियो सेंड करेंगे, ऑडियो मीन्स आप ये आवाज़ आएगी उस ऑडियो सेंड करेंगे, और जो वर्क कॉपी में मैंने आपको आज करवाया है, हुरूफ़ तहज्जी अलिफ से लेके बड़ी ये तक मैंने आपको लिखना बताई है। ये देखें, ये आपकी हुरूफ़ तहज्जी है, यहाँ मैंने अलिफ से स्टार्ट किया था और आपको ये भी बताया था कि अलिफ लाइन, ये जो जो हर्फ लाइन पर बन रहे हैं उनको लाइन पे बनाना है, और जो हर्फ लाइन से नीचे जाएंगे वो आप लाइन से नीचे लेकर जाएंगे। ये आपकी राइटिंग दुरुस्त करने का तरीका है, कॉपी में किस तरह काम करना है बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे आप मेरी कॉपी को, मेरी लिखाई को। ये दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, ये सब थोड़ा थोड़ा से लाइन से नीचे जा रहे हैं और ये जाने लाजमी हैं, आपको इसी तरीके से लिखना है।
इसी तरह यहाँ पर बाकी की जो है सीन शीन स्वाद स्वाद तोए जोए आइन गाइन काफ, यहाँ तक लाइन से नीचे जा रहे हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा लाइन से नीचे गए हैं। इसके बाद आता है लाम मीम नून वाव और छोटी ये पांच हर्फ यहाँ पर लाइन से नीचे जा रहे हैं। तो आपको इसी तरह बनाने हैं और मुझे इसकी पिक खींचकर ऑनलाइन क्लास जो हमारी स्टार्ट है वो में भेजनी है। ऑनलाइन क्लास में जब हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो मैं वर्क चेक करूँगी। सही है बच्चों, आप लोग बिल्कुल उसी तरह काम करके मुझे सेंड करेंगे और इसकी नज़म की ऑडियो सेंड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।